भाई हमारे किराएदार समाज के लिए किस तरह से मकान बने, मकान का मॉडल क्या होगा, मकान किस तरह होगा गरीबों को मिलने वाला, आपके सामने हमने मंच पे रख दिया है उसका पूरा नक्शा और बहुत जल्दी इसको हम आपके सामने रखेंगे। इसको भी ढक रखा है ताकि बहुत से लोग रास्ते में थे, हमने सोचा कि क्यों ना सबको इकट्ठा होने दिया जाए, उसके बाद इसको दिखाएंगे। तो जो बहन भाई जा रहे हैं इस ग्राउंड से, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बहुत सारे पेड़ों की छांव है, मुझे मालूम है टेंट कम पड़ गया है आपके लिए और धूप में आप काफी देर से खड़े थे, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ यहाँ का मैनेजमेंट जिस हिसाब से था काफी महंगा है, फिर भी हमने कोशिश किया है रामलीला मैदान में हम लोग खड़े हो सके आपके समस्या को लेकर के, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां रह गई। हम लोग टेंट नहीं लगवा पाए पीछे तक, जिसकी वजह से काफी लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। मैं उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो किराएदार समाज पिछले 25 साल 30 सालों से किराएदारी के बोझ तले दबा जा रहा है, लगातार बाल बच्चों की शादी ब्याह के टाइम होते रहे जा रहे हैं, जवान जवान बच्चों को लेकर के किराए के मकान में दर दर भटक रहे हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा गर्मी तो नहीं होगी। क्या ये ज्यादा धूप है? जो भाई बहन जा रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 25 साल पुरानी किराएदारी प्रथा, जो कि किसी ने आज तक किराएदारों के बारे में नहीं सोचा, और अगर किसी ने सोचा है तो आप लोग अगर बीच में से चले जाएंगे तो आपका मिशन तो अधूरा रह जाएगा। और हमने आपके लिए मकान का नक्शा बना के यहाँ पे लाए हुए हैं, अगर आप लोग थोड़ी देर और रुकते तो आपका मकान कैसा होगा ये अभी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। अभी ये जो LCD स्क्रीन लगी हुई है इसके ऊपर भी दिखाया जाएगा कि किस तरह हमारी सोच है, हम क्या चाहते हैं सरकार से, हम किस तरह के मकान चाहते हैं। पूरा मकान भी, मकान का पूरा मॉडल तैयार करके हम लाए हुए हैं आज की डेट में यहाँ पे। साथियों, आप सभी को मैंने पहले कहा था कि थोड़ा धूप जरूर है, हम लोग बार बार कल से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कैसे होगा 10 जून का हमारा कार्यक्रम, इतना भारी धूप हो रहा है। हमारे बीच में हरियाणा से हमारे अजीत भैया जी के पापा श्री धर्मपाल जी और उनके साथ में बहुत सारे साथी आए हुए, उनका जोरदार तालियों से जरा स्वागत कीजिए। हमारे अजीत भैया जी के पापा पिताजी श्री धर्मपाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर बना रहता है। तो मैं कह रहा था कि जिस मकान की चाह हमने आज से 6 साल पहले रखा था नींव कि भाई हमारे किराएदारों के कैसे मकान हो, वो मकान का मॉडल हम ला के यहाँ रखे हुए हैं। अरे अरे, इसे कहाँ लेके जा रही हो? और इसको देखने के लिए आपके पास अगर समय नहीं है तो मुझे लगता है कि साथ कैसे देंगे आप लोग, लंबी लड़ाई है। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को कुर्सियां नहीं मिली होंगी, बहुत से लोगों को टेंट का छाया नहीं मिला होगा, लेकिन हम भी तो धूप में खड़े हैं, आपके साथ हम भी खड़े हैं, बल्कि धूप उल्टा अब हमारे यहाँ पे घुस गया है, जैसे हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? ये तो कुदरत की माया है और कभी धूप कभी छाया है कि नहीं? तो मैं इसलिए बीच में उठ के आया, बहुत सारे साथी माता बहनों को देखा कि वो जा रहे हैं, मैंने सोचा कि जब आप रामलीला मैदान तक आप पहुंच चुके हो तो अपने सपने के ढांचे को तो देखते जाओ, मेरी बात मत सुनाइएगी, कम से कम अपने ढांचे को देखते जाओ। मैं सही कह रहा हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे भाई खड़े हो, मेरा हाथ उठा के मुझे जवाब दे, कम से कम आप लोग ढांचा तो देखते जाओ कि आखिर हमारी सोच क्या है, किस तरह से किराएदारों को मकान मिलने चाहिए, सरकार की क्या नीयत है, क्या होना चाहिए, ये तभी होगा। हमारा उत्साह आप लोग हैं, अगर आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाते तो हमें और आगे न
मेहनत करने में हिम्मत आती है कि नहीं भाई हमारे पीछे दिल्ली के 90 लाख किराएदार खड़े हैं। दिल्ली के 90 लाख किराएदारों के साथ मानता हूं मैं अपने आप को, चाहे मेरे पीछे एक भी ना हो। हालांकि हमने जब जब जनसभाएं की है तब तब हमारे सुरक्षा एजेंसियां अंदाजा लगाती हैं कि कितने आदमी आ जाएंगे आपके, और हम लोग चुपचाप सुनते रहते हैं कि ठीक है भाई जो आप कह रहे हो वही ठीक है। आज भी हमारे बीच में लाखों की संख्या में अभी कुछ तो रास्ते में ही गाड़ियां घूम रही है, कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ जा रहे हैं, तेरे कहने से सारे काम नहीं। लेकिन इसीलिए मैं बीच में आया उठ के कि कम से कम आप लोग जो आपके लिए मकान का ढांचा तैयार किया है, किस तरह के मकान होगा, कितनी मंजिल का होगा, कितने कमरे का होगा, पूरा मॉडल तैयार करके लाए हुए हैं जो आप थोड़ी देर में देखेंगे। इसलिए आप सब लोग शांति बनाए रखिए। थोड़ा सा धूप है, मुझे मालूम है धूप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि 2 बजे के बाद का कार्यक्रम होगा तो धूप धीरे धीरे डाउन होगा, नहीं तो हम सुबह के रखते। धूप बहुत ज्यादा था इसलिए दोपहर के बाद का रखा था। लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जब हम सुबह 6 बजे टेंट लगवा के यहाँ से निकल रहे थे तब वो लोग आ चुके थे, ऐसी भी बहने। तो हमें मालूम है जो सुबह से बैठा है उनको भूख भी लग रहा होगा, बच्चे भी हैं घर में, पहले से ही किराएदार काफी तरह से परेशानी में रहता है। इसलिए अब आप लोग थोड़ा रुकेंगे तो हमारे साथ बहुत सारे और 2-3 वक्ता हैं जो किराएदारों की समस्या को लेकर के रूबरू होंगे, उसके बाद फिर हम आपके सामने आएंगे। क्या आप लोग तैयार हो? जो साथी हमारे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अलग अलग एरिया में, अलग अलग इलाके में जन आंदोलन चला रहे हैं, अलग अलग ऑफिसों को संभाल रहे हैं, अलग अलग समूहों को संभाल रहे हैं, वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? सभी लीडर हमारे कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन आप होंगे तभी तो, या नहीं? आपको याद होगा जब हम लोग किसी मकान में किराए पर रहते हैं और मकान मालकिन पोछा लगा रही होती है अपने मकान में और हमारा बच्चा खेलते खेलते अंदर आ जाता है, उसको डांट के भगा दे, चलो बाहर जा, चप्पल हाथ में ले फिर अंदर जाइयो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके लिए आंदोलन खड़ा हुआ। ये जो धूप है, इतनी धूप में आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आपकी मजबूरी ही आपको यहाँ तक लाई है ना। मजबूर है, हम लोग किराए पे रह रहे हैं इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए। अगर हम सभी तरह से सुख समृद्धि से संपन्न होते तो शायद इतनी धूप में हम यहाँ खड़े नहीं होते। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो भाई जा रहे हैं या जो धूप में हैं, पेड़ हैं, पेड़ों की छांव, बहुत जल्दी सूरज नीचे उतरने वाला है और इधर छाए छाए होगा और जल्दी हम इसका मंचन करेंगे और आप लोगों के सामने लाएंगे। मैं दोबारा आऊंगा, बहुत सारी बातें करनी है हमें आपसे, समझ गए? मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन अभी थोड़ा दोबारा आऊंगा मैं। धन्यवाद।